सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज होगी, रेशो होगी, इन चारों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेटा के अंदर। दोस्तों ये सभी हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पर हमारा क्वेश्चन निकलता है। देखिए वैसे जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से कम समय में अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कर सकें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। देखिए डेटा के अंदर एडिशन हम किस तरह से करते हैं, जो डेटा जो संख्या हमें दी हुई है उसको किस तरह से हम जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने का एक तो जो तरीका है हमारा जो चलता हुआ आ रहा है ट्रेडिशनल मेथड, इन सभी को 512 को जोड़ा, फिर 1709 को जोड़ा, उस तरीके से हम जोड़ते हुए जाते हैं। लेकिन एक और जो तरीका है उस तरीके से हम किस तरह से जल्दी जोड़ सकते हैं वो हम देखेंगे। देखिए दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो राउंड फिगर का तरीका है। राउंड फिगर के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमें जो वैल्यू दी हुई है उसके आसपास की वैल्यू लेते हैं जो हमें स्टेबल कर सके। अब देखिए 512 है, 512 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 501 टाइम के लिए हम इसे लिख देते हैं। उसके बाद में है 1709, इसको हम लिख देते हैं 1700 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद में है 3825, तो इसको हम लिख देते हैं दोस्तों 3800 लिख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों 2195, तो इसको हम 2200 लिख देते हैं दोस्तों ताकि आसानी से क्वेश्चन कर सकें। उसके बाद में जैसे हमारे पास 1305, तो इसको लिख देते हैं दोस्तों हम 1300 लिख देते हैं। अब देखिए इनको हम प्लस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 2200 प्लस में 1300 है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 3500 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में जैसे 1700 और 500 है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 2200 यहाँ पे हो जाएगा। और अब क्या रह गया हमारे पास, एक 2200 रह गया, 3800 रह गया और 3500 रह गया। अब देखिए 2200 और 3800 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 की 20 और 2 और 8 कितना हो गया 0, असल 1, 2 और 1 3 और 3 1 6, यानी कि 6000 हो जाएगा। 2200 प्लस में 3800 कितना हो जाएगा, 6000, 6000 प्लस में 3500 ये कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 9500 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जो हमारा आंसर है, जो ऑप्शन दिए हुए उनमें देखते हैं कहाँ पे वे मैच करता है। अब ये देखिए ये 1266 है, ये तो बहुत कम है। फिर 8725 है, ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर ए है 9636 है, ये इसके पास जा रहा है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और DI के अंदर क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर हम बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं निकालते, इसके अंदर हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, इसके आसपास वैल्यू लेके चलते हैं। संभावनाओं पे ज़्यादातर DI के क्वेश्चन किए जाते हैं, तभी हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर हम DI के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आगे की जो वीडियो है दोस्तों उसमें मैं और भी ट्रिक बताऊंगा, जैसे परसेंटेज और रेशो को लेकर। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम एवरेज की। देखिए DI के अंदर बहुत ज़्यादा एवरेज निकालनी पड़ती है हमें, तो इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। देखिए एवरेज हम एक तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है यानी कि 185 को जोड़ना, फिर 225 को जोड़ना, इन सभी को एक 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 करके जोड़ना, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन उसको छोड़ के हम किस तरह से जल्दी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राहुल ने 10 दिनों में निम्न रुपए कमाए, ये 10 दिनों में रुपए कमाए हैं राहुल ने,
तो इसमें ये देखना कि एवरेज उसने एक दिन में कितने रुपए कमाए वो हमें देखना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए इसके अंदर जो यूज़ करेंगे हम, एक तो जो पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था राउंड फिगर का, उस तरह से ही उसको करने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा सा अलग है, वो देखते हैं क्या है। इसमें देखिए यहाँ पर आप 185 है, 225 है, 195 है, 210 है, 207 है, तो यहाँ पर एक इन सभी के कॉमन की एक डिजिट ले लेंगे। कॉमन की डिजिट जैसे कि हम मान के चलते 200 200, इनके बीच की संख्या है दोनों, ये देखिए 185 हो गया, 205 हो गया, 215 हो गया, इनके बीच की एक संख्या ले लेते हैं 200 200, यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, एक चीज़ हमने मान ली 200 मान ली। अब देखिए देखते हैं कि इन सभी में 200, ये जो 185 है 200 से कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये हो गया 15 माइनस 15 में, फिर 225 है ये प्लस के 25 है, और फिर 195 है ये माइनस के 5 है। इस तरीके से सभी के सभी हम लिख लेंगे। जैसे 210 है ये 10 ज़्यादा है 200 से, ये सभी हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर क्या करेंगे कि जो कट रहा है उनको काट देंगे। देखिए जैसे कि ये है माइनस के 15 और ये है प्लस के 15, ये कट हो गया। ये देखिए माइनस के 10, ये 10 है, ये कट हो गया। अब उसके बाद में देखिए जैसे ये माइनस के 5 है, ये प्लस के 5 है, ये कट हो गया हमारा। और ये देखिए ये माइनस के 2 है और ये प्लस के 7 है, तो ये कितना रह जाएगा, प्लस के 5 रह जाएगा। और अब हमारे पास क्या रह गया, प्लस के 25 और प्लस के 5, ये कितना रह गया, 30 हमारे पास रह गया। और आगे क्या करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि 10 है, तो 10 गुना में 200 हम कर देंगे। 10 गुना में 200 कर दिया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2000 यहाँ पे आ जाएगा। 2000 और प्लस में ये जो 30 था तो कितना आ जाएगा, 2030, इसका जोड़ जो है वो आ जाएगा। ये देखिए ये जोड़ ए में दिया हुआ है, 2030 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब एवरेज निकालने, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, 2030 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 203.0, यानी कि 203 रुपये वो डेली के कमाएगा। ये यहाँ से हम इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक ये भी तरीका है जल्द से जल्द क्वेश्चन निकालने का। और कई दोस्त ये सोचते कि नहीं, हमें तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वही यूज़ करना है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। ये हमने आपको एक तरीका बताया है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब परसेंटेज की बात आती है दोस्तों, परसेंटेज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डीआई के अंदर, और परसेंटेज काफ़ी तरह की होती है, तो उनके बारे में हम समझते हैं। देखिए परसेंटेज कई चीज़ें तो ऐसी होती है जो बिल्कुल आसान होती है, उनका हमें ऑलरेडी पता होता है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। देखिए जैसे 1/2 होता है, 1/2 कितने के इक्वल होता है, ये होता है 50% के बराबर होता है। इसी तरीके से जैसे 1/4 होता है, 1/4 किसके इक्वल टू होता है दोस्तों, 25% के बराबर होता है। ये शायद आप सभी लोगों को पता होगा 1/4 25% के इक्वल कैसे होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, 1/4 गुना में 100 करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, 4 को जब इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 से लेके 20 तक यहाँ पे ये दिए हुए हैं। 1/2 कितना होगा, 50% होगा, 1/3 33.33% होगा। तो यहाँ पे हमने ये सभी दिए हुए हैं, अगर आप चाहे तो इनको याद कर सकते हैं। कई बार ऐसे आ जाता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर, जो आंसर आता है 1/8 आता है, और 1/8 को जब हम निकालते हैं गुना में 100 करके निकालते, तो उसमें क्या है कि टाइम लगता है, लेकिन अगर हमें याद हो, यहाँ से हम याद कर ले, तो क्यों आंसर दे सकते हैं जल्दी से जल्दी। 1/8 होता है दोस्तों 12.5% होता है, यहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए एक तरीका ये है हमारा। और अब हम बात करते हैं कि आगे परसेंटेज के अंदर और किस तरह से हमें परसेंटेज निकालनी होती है। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ होता है जैसे कि ए का बी परसेंट कितना होगा, प्रतिशत की मात्रा हमें निकालनी होती है, जैसे कि 500 का 15% कितना होगा, इस तरह से हमें क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो इस दौरान हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी कुल रकम जो होती है, डिजिट जो होती है, और प्लस में जो हमारा परसेंटेज निकालनी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए, अब देखिए 500 का 15% कैसे निकालेंगे हम, 500 हमने लिख लिया, गुना में हमने 15 लिख लिया, और बटे में 100 लिखेंगे।
अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गई, 15 5 75 75 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें दोस्तों, बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें पता होना ज़रूरी है। दोस्तों परसेंटेज निकालने का एक तरीका और भी है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे 500 है, 500 का 1% हम सभी को पता है, इसका क्या होगा, 1% कितना होगा, 5 हो जाएगा। और 10% कितना होगा, वो होगा 50 हो जाएगा। अब देखिए 10% हमारा 50 है, तो 5% कितना होगा, 50 का हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमें निकालना कितना है, 15% हमें निकालना है। तो 15% कितना होगा दोस्तों, 10% प्लस में 5%, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने जो पहले जो तरीका बताया वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों परसेंटेज के अंदर क्या आता है। अब देखिए एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है DI के अंदर, बहुत बार कॉमन जो चीज़ है, वो क्या होता है कि उसके अंदर ये पूछा जाता है कि पिछली बार से अब की बार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सन 2005 में विद्युत उत्पादन 500 मेगावाट था, 2005 में कितना था, 500 मेगावाट था। 2009 में 800 मेगावाट हो गया। 2005 से 2009 में विद्युत उत्पादन में हुई वृद्धि प्रतिशत बताइए, यानी कि कितने प्रतिशत जो विद्युत है वो बढ़ी है वो हमें बताना है, कितने परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है वो हमें बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे DI के अंदर, ये बार बार यूज़ होते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। इसमें होता है फाइनल वैल्यू और माइनस में इनिशियल वैल्यू, यानी कि फाइनल वैल्यू यानी कि जो अंतिम वैल्यू आती है, जैसे ये है हमारी 800 रुपये, ये आखिरी की वैल्यू है। और फिर प्रारंभिक मूल्य यानी कि शुरू की जो वैल्यू है ये 500 रुपये, ये माइनस करेंगे बटे में प्रारंभिक वैल्यू, वो यानी कि शुरू की वैल्यू को डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे। देखिए इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आपको करके दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अब जैसे कि इसमें दिया इसी के अनुसार चलते था आपके, ताकि आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 800 माइनस में इनिशियल वैल्यू कितनी है, 500, डिवाइड बाई कितना है, प्रारंभिक वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 500, और मल्टीप्लाई बाय कितना है, 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एक मिनट मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे ये। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, 800 में से जब हम 500 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, 300 आ जाएगा। 300 बटे में 500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए 2 0 से हमारी 2 0 कट गई, अब 5 से जब हम 300 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 यहाँ पे आ जाएगा। तो जो 60 आंसर है वो कितना, किस में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि 60% इलेक्ट्रिसिटी हमारी बढ़ी है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आगे आएंगे। और आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से है, किस तरह से हमें सोल्व करना है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास रेशो, अब रेशो की बात आती है, अनुपात की बात आती है। देखिए अनुपात के अंदर क्या होता है कि दो हमें संख्याएं दी हुई होती है, वो डिवाइड जब हम एक दूसरे को करते हैं तो उसके बाद जो फाइनल जो वैल्यू आती है उसे हम रेशो कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, सुनील एक सप्ताह में 900 रुपये कमाता है और राहुल एक सप्ताह में 600 रुपये कमाता है, तो दोनों की कमाई का अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें वैल्यू दी हुई है उन दोनों को डिवाइड करते हैं और फिर हम निकालते हैं कि क्या उनका अनुपात है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 900 डिवाइड बाय 600, इसको जहाँ तक कट हो रहे हैं वहाँ तक हम इसको काटते जाएंगे। 2 0 से 2 0 कट गई, 3 2 6 और 3 3 9, इसकी जो, अब देखिए 3 और 2 को हम आगे नहीं काट सकते, तो इसकी जो वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 3:2 की वैल्यू आ जाएगी। तो सुनील और जो राहुल है वो 3:2 के अनुपात में कमाई करते हैं। तो इस तरह से हम अनुपात निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले ट्रिक DI को करने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे हमारे लिए। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, और फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।